हेलो, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू हैदराबादी चैनल रेसिपी बाय हैदराबादी फरहत। देखिए, मैं अभी ये पालक दाल बनाना है। मैं ये झाड़ में उन प्लेट में पेर के रखी सो है। ये थोड़ा और एक तोटी में लगा देती, मैं लेके आई ऊपर टेरिस पे से लेके जाके। ये प्लेट भी पेरे सो। ये पालक तोड़ना है मेरे को। ये पूरी पालक उठी, ये लाल माठ है, माठ। थोड़ा पुदीना ला ली, पुदीना ला ली, थोड़ी सी फली हुई, और ये लेमन तो नहीं होता। टमाटर झाड़ों में हुआ सो है, ये तोड़ के रखी सो है। थोड़े बैंगन हुए, कांटे वाला बैंगन, ये पूरे तोड़ के लेके आ ली मैं। और ये बोलते समय अब क्या बनाना है मेरे को बोले तो, ये मच्छी है, इसको अच्छा सा विनेगरे से धो के पूरा साफ करके रखी रेडी। ये माउस का पत्ता है, देखिए मैं इसके अंदर कैसा उबालने की मच्छी में कैसा बनाना डिश, ये पूरे बन के इसमें पैक करके शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट, उन लोगों को ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती ना, इसलिए बोल के मैं ऐसा बना के मैं कैसा बनाने का डिश मैं पूरा आप लोगों को बता दी। ये सब तोड़ के लाई, ये बाहर से मंगाई सोए में, यहाँ थोड़ा रिश्तेदारों के पास था तो ले लेके आए। ठीक है, मैं मच्छी को पूरा मसाला क्या क्या लगाना मैं पूरा आप लोगों को डिटेल बता दी। देखिए, पूरा पालक तोड़ दे रही मैं। थोड़ी सी पालक दाल बनाना है मेरे को, तोड़ के पूरा रख ले रही। लंच की तैयारी, थोड़ा सा पालक तोड़ दे के फिर मैं इसको फिर ऊपर रख के आया तो ज़रा धूप में अच्छी होती समझो, नहीं तो फिर नीचे रखे बालकनी में इतनी धूप नहीं आती बालकनी में। तो पूरा तोड़ देती, कैंची सब काटे तो चलता, हाँ से भी तोड़ते हुए चलता। सब पूरा तोड़ लेती है सब, और अपने को एक दाल को होया तो बस थोड़ी सी, फिर अपने को क्या है बोला तो फिर बढ़ती है ऐसा, तोड़ने से बढ़ जाती। ठीक है, मैं पूरी तोड़ देती, तोड़ के फिर इसको धूप में रख दे क्या है तो ऊपर टेरिस पे, अच्छी चीज़ है समझे झाड़ को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी वो झाड़ से पालक तोड़ी से आपको बताई ना, पालक, करिया पाक, कोथमीर और एक चम्मच अदरक लहसुन, आधा चम्मच हरी लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, हल्दी, अदरक लहसुन ये सब डाल के, टमाटर छोटे से दो डली, प्याज। मैं दाल पालक की दाल बना रही, कैसा बना रही, सांभर पालक। देखिए, ये दाल, एक कटोरी दाल डाली, हरी मिर्ची दो तीन डाली, डाली इसके अंदर पालक, प्याज, टमाटर पूरे दाल दे रही हूँ, दाल ले लें। ऐसा एक दो सीटी में गल जाती है, ज़्यादा दाल गलना नहीं है, इसलिए ऐसा दाल ही। ठीक है, उसके बाद मैं पूरा कंप्लीट बता दिया। देखिए, मच्छी का मैं पूरा कैसा कैसा लगाना, मौस के पत्ते में, केले के पत्ते में मैं कैसा पैक करने का पूरा मैं बताती हूँ आपको, इसमें क्या क्या डालना। लहसुन, गरम मसाला, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, धनिया मैं ऑलरेडी मैं भून के पीसे सो है, राई, कच्चा जीरा, काली मिर्ची, कोथमीर, हरी मिर्ची मैं बताती हूँ, हरी मिर्ची एक पाँच छः डालना है। ठीक है, मैं हरी मिर्ची डाले वैसे पूरा पेस्ट पूरा मैं बता दिया आपको।
देखिए हरी मिर्ची, इसमें मैं ऑलरेडी मिर्ची में नमक मिला के रखी, ये इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच नमक मिला के, हरी मिर्ची बताना था नहीं बताई, अभी मैं पूरा पेस्ट बना के लेके आके बताती। ये दाल गल गई, ऐसे इतनी से ज़्यादा नहीं गलना दाल। देखिए अब इसको मैं बघार लेना है, सांभर का मसाला डाल के मैं बताती आप लोग। देखिए पूरा मैं ये मसाला मिला ली रेडी, जैतून का तेल है देखो, ये डाली में अच्छा सा, देखो पाव पूरा आधी कटोरी तेल डाल के, पूरा जैतून का तेल इसमें डाल के क्या करिए अच्छा सा मिक्स कर ली। अब मैं इसको ये सब पत्तों को कैसा करना, केले के पत्ते को मैं बताती आप लोग को पैक करना फिर रखो। तब ये अलग ऐसे हम ये ग्रेवी इसमें लगा रही, लगा के क्या करें थोड़ा ऐसा बना रही, थोड़ा ऐसा बना बहुत अच्छी होती टेस्टी है। ठीक है मैं इसके बाद केले के पत्ते में कैसा पैक करना वो भी बताती हूँ, ये ऐसा ग्रेवी ऐसा भी करके बता रही आपको। देखिए पूरा सा मैं थोड़ा सा मसाला लगा के थोड़ा सा फ्राई कर ली, लाइट लाइट थोड़ा सा कच्चा पक्का, ये पत्ते को ज़रा सा भाप ले लेके आयल लगा के रेडी रख ली। अब मैं मसाला ऐसा ग्रेवी पूरा इसको लगा दी, लगा के अब क्या करना बोले तो पूरे पैक करना इसको, कैसा करना पूरा ऐसा पूरा मैं एक हाथ से बता रही आप लोग को, ऐसा करके पूरा ऐसा पैक करने का रहता। इसके बाद ये लगा देती स्टिक, ऐसा पूरा मैं पैक कर रही, ऐसा करके थोड़ी देर इसमें फ्राई कर लिए तो अच्छा सा भात हाफ देना, पूरा ऐसा लगा दे के पूरा ऐसा दम पे रख देना पूरे, मैं पूरे बनाए बस इस पर दम दे दिए तो ज़रा अच्छा सा कवर इसका केले का पत्ता पूरा जलना, थोड़ा सा आधा सा भाप आ जाना। ठीक है मैं थोड़ी देर के बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है सेम, पूरा ऐसी पैक करके बना के इस पर दम दे लेना अच्छा सा। हेलो देखिए पूरा सा मच्छी पूरा, देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्या करी बोले तो ग्रेवी मसाला लगा के थोड़ा सा तल लेके ऐसा भी बना ले सकते, ये क्या करी फिर मैं मौस के केले का जो पत्ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ में अदा फरमाए, देखिए पूरा सा अच्छा सा फ्राई होगा, इसमें उबल आ गई, मैं भाप के रखी थी पक गई मच्छी, देखिए पूरा पक गया, से बता खोल के ठीक है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। देखिए बहुत अच्छी टेस्टी रहती है मच्छी, जैसा केले के पत्ते में बनाकर शुगर पेशेंट को जैतून के तेल में मैं पूरा ये सब बन के पूरा बताई आप लोग को, पूरा ऐसा फ्राई होगा। ठीक है अल्लाह हाफिज, दुआ की गुजारिश। ठीक है देखिए ये पूरा मैं बताती कैसा कैसा है प्यार, ऐसा खोल के बहुत अच्छी होती है ये केले के पत्ते में बो में, इसके स्मेल बहुत अच्छा है, पूरा कितना अच्छा था टेस्ट। बहुत टेस्टी रहती, मैं मसाला ग्रेवी कैसा कैसा बनाई और पूरा बताई। ठीक है दुआ की गुजारिश।